हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सबके। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। आज हम बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं आपका पुराना क्वेश्चन पेपर है बच्चों हमारा 2021 का, 2021 का सैंपल पेपर सीबीएसई का। एक छोटा सा आइडिया, एक सुंदर सा आइडिया आपके लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे। बता दिया था मैंने आपको, एक 3 मिनट की वीडियो बनाई थी उसमें सब कुछ बता दिया था कि आपको क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिल सकता है, सब कुछ बता दिया था। ठीक है, तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, मैं भी उसी को यूज़ करता हूँ। और जो फ्रंट में क्वेश्चन आते हैं ना, जो मैं लगा देता हूँ, तो वो भी उसी ऐप से मैं कटआउट करके लगाता हूँ। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन पेपर आप यहां से भी ले सकते हो, आप ऐप से भी देख सकते हो, या गूगल पे भी आप 2021 सैंपल पेपर डालोगे तो सबसे पहले जो पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूं वही पेपर आएगा। तो आज मुझे बच्चों क्वेश्चन करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। ठीक है, तो ये 1-1 मार्क्स वाले आपके हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद हम सेक्शन बी इसका शुरू करेंगे जो 2 मार्क्स का होगा। टोटल मिला के सेक्शन 4 है। पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन है बच्चों, एक एक मार्क्स के हैं। और जैसे मैंने समझाया था, ऑप्शन भी है, एसर्शन वाले भी हैं, वन वर्ड वाले भी हैं, तो आपको मिक्स मिलेगा। ऐसा नहीं कि ऑप्शन वाले तो सारे ऑप्शन वाले मिलेंगे, वन वर्ड वाले तो सारे वन वर्ड वाले मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपको वन वर्ड वाले भी मिलेंगे, आपको ऑप्शन वाले भी मिलेंगे, और आपको एक लाइन का आंसर वाले भी मिलेंगे, जैसे कि 11th क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और मैं भी रीड आउट कर देता हूं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अडेप्टेड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर फूड। तो जी क्वेश्चन नंबर 11 बहुत मस्त है, बहुत सिंपल है, और 1 मार्क्स में कैसे जवाब देना है वो मैं बताता हूं आपको। भाई जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना बच्चों, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो मैं डायग्राम से समझा देता हूँ आपको। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है बच्चों, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, बहुत ही पतली पतली प्रोजेक्शन होती है, उंगलियां उठी हुई होती है बच्चों। और वो फिंगर्स 1, 2, 3 इतने तो होते नहीं है, वो तो करोड़ों में है। ठीक है, उसकी गिनती तो करोड़ों में है। इसका मतलब चारों तरफ ऐसे आपकी लेयर होगी और ऐसे उंगली उंगली ऐसे ऐसे होगी, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बच्चों विलाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विलाई। ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देता है। तो जब अमीनो एसिड, ठीक है, ग्लूकोस और भी काफी फैटी एसिड, जो भी मतलब प्रोटीन विटामिन है, वो सारे के सारे जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होकर पहुंच जाते हैं बच्चों, तो वहां से एब्जॉर्ब कराने का काम कौन करता है? विलाई। और विलाई 1, 2, ठीक है, 3, 4 नहीं होती है, बहुत सारी होती है, करोड़ों में होती है। तो विलाई हर जगह पे आपको मिलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये सिर्फ बच्चों वही बात है, एक एग्जांपल दे देता हूं इसके लिए। कोलगेट करते हो ना, तो मान लो अगर मैं कोलगेट में सिर्फ आपके लिए एक दांत निकाल दूं, ठीक है, एक प्लास्टिक का सिर्फ एक दांत हो और बाकी सारा का सारा गंजा ब्रश हो, गंजा, ठीक है, हम उसे गंजा बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, दांत माँज पाओगे, ब्रश कर पाओगे? मुश्किल होगी। आसान कैसे होगा? जब चारों तरफ दांत होंगे, चारों तरफ दांत होंगे तो अच्छे से पकड़ बनेगी और हमारे दांत जल्दी से क्लीन हो जाएंगे, उसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा, उसमें ठीक से साफ भी नहीं होंगे। वैसी बात है बच्चों, ठीक है, वैसे बिल्कुल सेम बात है। अगर दांत ज्यादा होंगे, फिंगर ज्यादा होगी, विलाई ज्यादा होगी, तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हो गया आपको? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ही पार्ट है बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। अच्छा हाँ, आंसर की बात करें तो आंसर आप यहां से लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 का, द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको विलाई बोलते हैं, विच इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो सर्फेस एरिया बढ़ाने का क्या कर देता है? काम कर देता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 का अगला वाला जो पार्ट है वो है, आउट ऑफ गोट एंड टाइगर, एक बकरी है और एक शेर है, ठीक है, विच वन विल हैव अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, जस्टिफाई योर आंसर। आपसे पूछा है, एक गोट है, एक टाइगर है, किसकी लंबी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन किसकी लंबी होती है? तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, गोट की ज्यादा होती है, क्योंकि जो टाइगर होता है वो तो मांस खाता है हमेशा, तो मांस वास जो खाता है वो आपका कौन कहलाता है? कार्निवोरस कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्निवोरस, जो सिर्फ मांस खाता है। तो गोट क्या खाती है? गोट हरी चीजों को खाती है, जैसे कि वेजिटेबल्स और हमारे प्लांट व्लांट, छोटे छोटे प्लांट व्लांट को खाती है, तो इसका मतलब वो कौन कहलाती है? बिल्कुल सही, हर्बीवोरस, ठीक है। तो हर्बीवोरस
है होती है गॉट हर्बीवोरस होने की वजह से। हर्बीवोरस में ग्रास भी आ जाती है बच्चों, ग्रास भी खाएगी वो, तो ग्रास में होता है बच्चों सेल्यूलोस, जिसको पचाना मुश्किल होता है, उसकी वजह से जन्म से ही मतलब नेचुरली ही इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी मतलब बहुत लंबी होती है, ठीक है, इंसानों के मुकाबले। इंसान की 6.2 से 6.5 मीटर तक गले से नीचे तक होती है, लेकिन लेकिन इनकी ज़्यादा ही लंबी होती है कुछ। तो जो भी आपकी गाय हो गई, भैंस हो गई, गोट हो गया, जो भी हर्बीवोरस होती है उनके सबकी लंबी होती है। तो गोट बिकॉज हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीडेड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोस टू बी डाइजेस्टेड, ताकि सेलुलोस को पचाया जा सके, ठीक है। तो हम तो ग्रास नहीं खा सकते भाई, अगर हमने खा भी ली तो हम उसके ग्रास के सेलुलोस को नहीं पचा पाएंगे, और अगर नहीं पचा पाएंगे तो फिर आपको पता ही आगे क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। एक मिनट, स्क्रीन पे ठीक आ रहा है? बिल्कुल ठीक आ रहा है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ। एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग अ डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्मिंग अ एसेंशियल फंक्शन फॉर आवर एनवायरनमेंट। और इसमें एक और करके भी ऑप्शन है, वो भी पढ़ देता हूँ आपके लिए। गिव रीजन व्हाई अ फूड चेन कैन नॉट हैव मोर देन 4 ट्रॉपिक लेवल। ओके, देखो बच्चा, देखो बताऊँ बात क्या है। बात यह है कि बात बहुत गहरी है, यू नो डैट, बात कुछ ज़्यादा ही गहरी है। अच्छा, पहले इतनी गहरी भी नहीं है। अच्छा देखो सुनो, ओजोन लेयर होती है, मानते हो ओजोन लेयर, ठीक है, यकीन तो नहीं दिलाना है, ओजोन लेयर होती है। तो अर्थ पे जो बच्चों ओजोन लेयर होती है, क्या वो सिर्फ पॉइजन, वो पॉइजनस होती है, वो हमें हार्मफुल हो सकती है, वो हमारे लिए, अगर हम ओजोन को इनहेल कर लेंगे तो हम हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, खतरनाक पॉइजन होता है। लेकिन क्या वो कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट बढ़िया रह सके? तो आप बोलोगे जी हाँ सर, क्या करता है वो यूवी रे को रोकता है, वो यूवी रे अल्ट्रावायलेट रे को रोकने का काम करता है, जो हमें कैंसर फैला सकता है, जो हमारे प्लांट्स को हार्म कर सकता है, एनिमल को हार्म कर सकता है, अर्थ को बंजर बना सकता है, ठीक है। तो लेकिन ये सब काम करने के बावजूद यूवी रे को रोकने का काम करता है। यूवी रे ये सब कर सकती है, पर यूवी रे को कौन रोकने का काम करता है? ओजोन। तो हम इसका लिख सकते हैं ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3, याद रखना, ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज, ठीक है। और आपसे अगर वन मार्क्स में पूछ लिया, वैसे इतना ज्यादा डिटेल में आता नहीं है, और डिटेल है भी नहीं बच्चों, 7th क्लास से जानते हो यूवी रे कहां से निकलती है, सन में से निकलती है। तो आप आगे जाके एमिड बाय सन भी लिख सकते हो, बाकी एक मार्क्स में इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है आपको। अच्छा, इसी में एक बार बोला था कि 4 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा लेवल क्यों नहीं होते हैं। व्हाट इज ट्रॉपिक लेवल अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, क्योंकि नए कोर्स के हिसाब से, नहीं यार नए कोर्स में सिर्फ टॉपिक कटे हैं, चैप्टर तो नहीं कटा है शायद, तो चैप्टर तो लगभग सारी आ रही है, पर कोर्स देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने देखा नहीं अभी ध्यान से। अच्छा बच्चों, ये 4 ट्रॉपिक लेवल होते हैं, ऐसा ट्राइंगल टाइप बनाते हैं हम ऐसे करके, ठीक है। नीचे होता है बच्चों प्रोड्यूसर पिक्चर वाला, ठीक है, यही पिक्चर बनाता है भाई, यही अर्थ की पिक्चर बनाता है। कौन है ये पिक्चर बनाने वाला? प्लांट भाई, प्लांट के बिना जिंदगी कहाँ है, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, और वो फूड हम लेते हैं, उनसे खाते हैं, हम हेटरोट्रॉपिक्स में आते हैं, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो मतलब हम कौन है? वो तो प्रोड्यूसर है, हम ले रहे हैं, तो हम कौन है? कंज्यूमर। हम कौन है? हम है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर प्लांट, कंज्यूमर हम, और कंज्यूमर में फिर उसके बाद आ जाते हैं टॉप के कंज्यूमर। कंज्यूमर के बाद कौन आ जाते हैं? टॉप के कंज्यूमर, उसके बाद भी टॉप के कंज्यूमर, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल के डायग्राम एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिहाज से भी बनाए गए और एक अलग तरीके से बनाए, मैं दोनों दिखा देता हूं आपको। तो या तो आप ये वाला ध्यान से देख लो, वैसे डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, या तो आप ये देख लो, ठीक है। तो आपने दो चीजें देखी होगी बच्चों कि ऐसे बनाए हैं, और 4 लेवल होते हैं, लेकिन 4 लेवल से ज्यादा लेवल क्यों नहीं होते, सोचा है क्या कभी? मैं बताता हूं आपको, देखो सुनो, 4 लेवल से ज्यादा लेवल क्यों नहीं होते, सोचा है? अब यहां पे बहुत बड़ा खेद खुलने वाला है, खेद, ठीक है। देखो सुनो, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रेमंड लिंडमैन,
रेमंड लिंडमन, ठीक है, आप बुक में देखोगे आपको इनका नाम मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी नाम मिल जाएगा, ठीक है। इन्होंने बोला कि यार अगर मेरे पास प्लांट है, अगर मेरे पास कोई प्लांट है, ठीक है, तो ये प्लांट को अगर डियर खा गया, ये प्लांट को अगर कौन खा गया, डियर यानी कि समझ रहे हो ना, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं इतना। तो प्लांट को डियर खा गया, डियर को कौन खा गया, डियर को खा गया लायन, ठीक है। लायन जब मर गया, लायन जब मर गया तो लायन को कौन खा गया, हॉक, ठीक है, और उसके बाद तो नॉर्मली पता है सबको। तो रेमंड लिंडमैन ने क्या बोला, रेमंड लिंडमैन ने बोला कि यार ये प्रोड्यूसर के अंदर एनर्जी कहां से आई होगी। भाई समझने वाली बात है, प्रोड्यूसर के अंदर कहां से एनर्जी आई होगी, तो भाई प्रोड्यूसर के अंदर एनर्जी आती है सन से, कहां से आती है, सन से। तो सन से वो एनर्जी लेने का काम करता है, सन से वो एनर्जी लेने का क्या करता है, काम करता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गए, ठीक है। कितनी बताओ कितनी, तो रेमंड लिंडमैन ने बोला 1% लेगा। कितनी परसेंट लेगा, 1%। ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो, बहुत सिंपल है। सन से एनर्जी लेगा प्रोड्यूसर, सन से एनर्जी लेगा प्रोड्यूसर, कितनी एनर्जी, 1%, ठीक बात है। उसके बाद जब डियर इसको खाएगा तो डियर के अंदर प्लांट की तो पूरी एनर्जी आएगी, सुनते रहो ध्यान से। डियर जब प्लांट को खाएगा तो प्लांट के अंदर की एनर्जी, प्लांट की खुद की एनर्जी जो होगी वो तो आएगी, लेकिन प्लांट ने 1% जो सन से ली है, सन की जो एनर्जी है प्लांट के अंदर, वो डियर के अंदर 10% आएगी। कितनी परसेंट आएगी, 10%, यानी कि एनर्जी कम हो गई, ठीक है, इसमें से 10% सन की एनर्जी। फिर उसके बाद लायन डियर को खाएगा, लायन किसको खाएगा, डियर को खाएगा, तो डियर की तो पूरी मांस हड्डी वड्डी सबकी उसको एनर्जी मिलेगी, 100% एनर्जी मिलेगी, ठीक है। लेकिन डियर के अंदर जो सन की एनर्जी होगी, सन की एनर्जी होगी वो कितनी जाएगी, 10%, और इसके अंदर भी कितनी जाएगी, 10%, ठीक है, 10%, 10%। तो आप खुद लॉजिक लगा लो, इसके अंदर भी 10% जाएगी, इसके अंदर भी 10% जाएगी, इसके अंदर भी 10% जाएगी। किसकी एनर्जी, सनलाइट की एनर्जी, किसकी एनर्जी, सनलाइट की। इसने प्लांट को पूरा खा लिया, ठीक है, लेकिन प्लांट के अंदर 1% जो सनलाइट गई है, उस 1% का 10% किसके अंदर गई है, डियर के अंदर, ठीक है। और डियर तो लायन ने पूरा खा लिया, लेकिन डियर के अंदर की जो सन की जो एनर्जी थी उसका 10% इसके पास गया, उसका 10% इसके पास गया। तो ये बताओ 10-10 करते करते एनर्जी कम हो रही कि ज़्यादा हो रही है, तो आप बोलोगे कम होगी सर, कि एक दूसरे को खाते रहेंगे तो एनर्जी तो कम हो जाएगी। तो एनर्जी कम होने के कारण एक लेवल से दूसरे लेवल में जब कोई चीज़ किसी को खाती है तो एनर्जी कम हो जाती है, उस लेवल की एनर्जी कम हो जाती है, फिर और कम, फिर और कम, और फिर और कम। तो यहां तक लेवल सिर्फ चार लेवल चलता है, कितना लेवल चलता है, 4 लेवल। आपके पास अब जवाब मिल गया, आपको क्या मिला आपको जवाब, कि जब एक फूड वाला किसी दूसरे फूड वाले को खाएगा, जब एक फूड वाला किसी दूसरे फूड वाले को खाएगा तो लेवल बढ़ते बढ़ते एनर्जी कम होगी, लेवल बढ़ते बढ़ते एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब लेवल बढ़ते बढ़ते अगर एनर्जी कम होगी तो वो लेवल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, तो ओनली कितने लेवल होते हैं, 4 लेवल। क्योंकि 4 लेवल से अगर आगे जाने की कोशिश करोगे तो एनर्जी कम मिलेगी, एनर्जी कम मिलने के कारण दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ से आंसर मैंने काफ़ी समझा दिया आपको, बाकी अगर आपको और समझना है, ठीक है, तो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कोई दिक्कत होगी तो। यहाँ पे बच्चों इसको इसकी एनर्जी पूरी मिलेगी, लायन को डियर की एनर्जी पूरी मिलेगी, मैं इस लाइट की एनर्जी की बात कर रहा हूँ। रेमंड लिंडमैन ने लाइट की एनर्जी के बारे में बोला, ये लाइट एनर्जी लेगा, डियर प्लांट को खा जाएगा, प्लांट की पूरी एनर्जी मिलेगी, लेकिन प्लांट के अंदर जो लाइट एनर्जी होगी उसका 10% मिलेगा, ठीक है। लायन डियर को पूरा खा जाएगा, पूरी एनर्जी मिलेगी, लेकिन डियर के अंदर जो सनलाइट की एनर्जी होगी ना, सनलाइट की, वो उसे 10% मिलेगी, उस 10% में से उस 10% को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हिसाब चलता है, आप इसके न्यूमेरिकल भी पेपर में आते हैं तो आप कर सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो मैं इसका स्क्रीन पे ही आंसर दिखा देता हूँ, सिंपल आंसर है, आप यही बुकिश लैंग्वेज वाला आंसर लिख सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर आ गया होगा आपके सामने, तो आप ये नोट कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्लियर हो गया, नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, तो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 13, स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों।
स्टेट द रोल ऑफ पेनक्रीज इन डाइजेशन ऑफ फूड। बहुत आसान है, बहुत उमदा लेवल का क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में रिपीट भी हुआ है। तो आपसे पूछा गया है पेनक्रीज जो है बच्चों वो कैसे फूड के डाइजेस्ट होने में काम आता है। तो बहुत सिंपल है इसका आंसर, देखो यार पेनक्रीज सीक्रेट थ्री टाइप ऑफ जूसेस। पेनक्रीज तीन टाइप के जूस निकालता है, आपके जस्ट स्टमक के नीचे होता है, ठीक है, आपके जस्ट ऐसे स्टमक के नीचे आपको यहाँ पे पेनक्रियाज मिल जाएगा, ठीक है, ये पत्ते पत्ते जैसा जो होता है उसे पेनक्रियाज बोलते हैं। किसी को नॉलेज नहीं हो इस बारे में तो भाई वैसे सबको होनी चाहिए क्योंकि पूरा साल निकल चुका है। तो एकदम पेट के निचले हिस्से पर आपके पत्ते पत्ते जैसा होता है, इसे बोलते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। तो पेनक्रियाज में से बच्चों तीन तरह के जूस निकलते हैं, पहला जूस होता है अमाइलेस, दूसरा जूस होता है ट्रिप्सिन और तीसरा जूस होता है लिपेज। तो अमाइलेस का क्या काम होता है, अमाइलेस का काम होता है इट ब्रेक डाउन स्टार्च। ग्लूकोज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्टार्च। ग्लूकोज के ग्रुप को क्या बोलते हैं, रिपीट करो एक बार, स्टार्च। तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का क्या करता है, काम करता है, एक तो मुंह में भी ब्रेक डाउन होता है और एक पेनक्रीज में होता है, दो बार काम होता है बच्चों इसके, ध्यान से समझो। एक बार तो मुंह में भी, सलाइवा में भी, तो सलाइवरी अमाइलेस होता है तो वहां पे भी क्या बोलते हैं, खाना को ब्रेक डाउन किया जाता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाता है और एक पेट के अंदर भी स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाता है। इसका मतलब दो बार ब्रेक डाउन होता है, दो बार, ठीक है। ट्रिप्सिन की बात कर लेते हैं, इट डाइजेस्टेड प्रोटीन, ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन बच्चों, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब प्रोटीन भी दो बार डाइजेस्ट होता है, एक बार पेट के अंदर सुना होगा गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में से निकलता है HCl, एंजाइम पेप्सिन म्यूकस। तो ये बच्चों जो एंजाइम पेप्सिन होता है वो भी प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो एंजाइम पेप्सिन पेट के अंदर प्रोटीन को पचाता है और पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन को और पचाने का काम करता है, ठीक है। लिपेज, तो बच्चों लिपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, या तो कोई कोई इसे इमल्सिफिकेशन भी बोलता है, कोई कोई इसके इसे इमल्सिफिकेशन भी बोलता है। और कभी कभी सीबीएसई में ना ये भी क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो आप बोलोगे दैट डाइजेशन ऑफ फैट ड्यू टू सम जूसेस, और जूसेस लिख सकते हो बाइल जूस और लिपेज। तो इससे जो फैट डाइजेस्ट होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, आ चुका है काफी बार पेपर में, तो ये भी आप नोट करके लिख सकते हो, ठीक है। पेपर तो सॉल्व कर रहे हो लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है तो क्या गलत है उसमें, है ना। तो इसलिए इस तरीके से आप इसका जवाब दे सकते हो, वन मार्क्स में इतना ही करना है, बाकी इसको नोट डाउन करो। फिर क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, एसर्शन रीजन का, लिखो जल्दी जल्दी नोट डाउन करो यार, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, जल्दी जल्दी 20 क्वेश्चन निपटाते हैं और कम से कम समय में फुल कॉन्सेप्ट के साथ, फुल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पे ये सोच के मत आया करो कि पेपर सॉल्व करना है आपको, यहां पे ये सोच के आया करो कि आंसर किस वे में देना है हमको, ठीक है। पेपर तो आप ऐसी ऐप है, ऐप बता दिया है, आंसर भी उससे में ही है, सॉल्व कर सकते हो, क्या दिक्कत आ रही, लेकिन ये है कि समझने के लिए आया करो, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठो या मोबाइल लेके बैठा करो, दूसरा मोबाइल भी हो अगर साथ में, आंसर एक बार मैचअप कर ले करो। तो कोई कोई मुझे आंसर एकदम अच्छा लगता है, जैसे अभी 11th या 12th वाला लगा तो सीधा मैंने आंसर ही दिखा दिया था उसमें। कोई कोई मुझे थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लगता है तो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, पहले ये पूरा पैराग्राफ पढ़ो, ठीक है। जी किसी को एसेशन रीजन के रूल ना पता हो या 9th में ना ट्राई कराया हो तो जी पढ़ लो। फॉर क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, तीन क्वेश्चन है, 14, 15, 16, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, दो स्टेटमेंट दिए हैं, ऑन लेबल्ड एसर्शन ए एंड अदर लेबल्ड रीजन। एसर्शन का मतलब एक क्वेश्चन बोला गया है फिर उसका रीजन बोला गया है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द कोड्स ए बी सी डी। अच्छा, चार ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, ए बी सी डी फ्रॉम द कोड्स और गिवन बिलो। कोड क्या है, कोड सुनो, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्शन। बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्शन। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। वाओ, मजा आ गए, ठीक है, सर के ऊपर से तो नहीं गया, समझाता हूं, ध्यान से सुनो। चलो ये रहा बगल में, देखो एक बार यार खुद से रीड करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार रीड करो, फिर मैं समझाता हूँ। वीडियो को एक बार मैं पॉज कर रहा हूं, ठीक है, आप भी पॉज करो और एक बार खुद से रीड करो। पूरी उम्मीद है कि कर लिया होगा, पूरी उम्मीद है, ठीक है। अच्छे बच्चे आप लोग, गंदे बच्चे नहीं हो, ठीक है। तो सुनो,
क्वेश्चन यह है कि तीन क्वेश्चन है, assertion रीजन, मतलब assertion में कुछ बात बोली गई होगी और रीजन में उस बात का जवाब दिया होगा। अब बात सही होगी या तो जवाब सही होगा, तो आप क्या बोलोगे, assertion रीजन बोथ आर ट्रू, ठीक है। लेकिन अगर बात assertion गलत होगा, बात सही होगी, तो assertion को फॉल्स बोल देंगे और रीजन को ट्रू बोल देंगे। लेकिन कभी कभी ए और बी वाला ऑप्शन सुनो, assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, ठीक है, और बिल्कुल अच्छे से करेक्ट है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन है, तो आगे क्या लिखोगे कि बोथ assertion रीजन आर करेक्ट, ठीक है, बोथ assertion रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द assertion, और रीजन बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहा है assertion की। लेकिन assertion रीजन करेक्ट तो है, बी ऑप्शन assertion रीजन करेक्ट तो है, लेकिन जो रीजन है ना वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं है, ठीक है, तो कभी कभी आपको ये जवाब भी देना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, आगे होगा आपकी स्क्रीन पे, पढ़ो अच्छे से, पढ़ो, टाइम लेते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं, वीडियो को पॉज करो। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर व्हाइट वॉशिंग द वॉल आ शाइनी विद फिनिश ऑन द वॉल इज ऑब्टेन आफ्टर 2 to 3 days। अच्छा, आपने पुताई करी है, पुताई बोलते हैं भाई हिंदी में व्हाइट वॉश को, आपने पुताई करी है तो पुताई करने पर आपको 2 या 3 दिन में अच्छे सी शाइनी सरफेस, व्हाइट व्हाइट सरफेस, सुंदर सुंदर सरफेस देखने को मिलती है। कैसा लग रहा है सुनने में, फीलिंग आ रही है अच्छे से कि सही होगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर। चलो रीजन सुनो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच गिव शाइनी सरफेस। छी छी, इतना गलत रीजन कैसे हो सकते हो, इतने गलत, ठीक है, सुनो जरा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें आपको बोलना है कि assertion इज करेक्ट, assertion करेक्ट है, assertion ट्रू है, ठीक है, assertion इज ट्रू, चलो ट्रू फॉल्स कर लेते हैं ना, ट्रू फॉल्स सही रहता है, assertion इज ट्रू सही है। जब हम पुताई करते हैं तो पुताई करने पर बच्चों 2 या 3 दिन लगते हैं पुताई को अच्छे से सूखने में और शाइनी सरफेस आने में, चमकदार सरफेस आने में, सुंदर सुंदर सरफेस आने में। लेकिन उसने बोला कैल्शियम ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है तब होता है वो चीज, पर बच्चों ऐसा नहीं है, सुनो जरा। जब आप लीपापोती कर देते हो ना, चलो मैं स्टार्टिंग से समझाता हूँ, CaO होता है, H2O होता है, तो Ca ब्रैकेट OH2 बनता है, इसको बोलते हैं स्केलेटन लाइन, जो भीगा भीगा बन जाता है। पापा कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं और वो डाल देते हैं बाल्टी में, ठीक है, पानी में डाल देते हैं, पानी में घोल देते हैं, फिर वो गर्म होता है, खोलता है गंदे तरीके से, देखा भी होगा आपने, तो वो बनाते हैं CaOH2, क्या बनाते हैं CaOH2, फिर वो पानी लेकर आप छानते हैं, कोई पगड़ी का यूज करता है, कोई किसी के साड़ी का यूज कर लेता है, कोई चुन्नी का यूज कर लेता है, ठीक है, तो उससे इसको थोड़ा छान लेते हैं और जो हमें वाटर मिलता है वो हम ब्रश में लगाकर और ऐसे लगाते हैं, ठीक है, तो तब CO2 से रिएक्ट करती है बच्चों और CaCO3 बनाता है और H2O बनाता है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पे कहीं पे भी आप बात सुनो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात आई, आप बात सुनो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात आई तो बात ही नहीं आई, ऑक्सीजन की बात आई, ऑक्सीजन की भी बात नहीं आई, ठीक है, CO2 की बात आई, कैल्शियम कार्बोनेट की बात आई और स्केलेटन लाइन की बात आई। वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है CaO जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा और CaHCO3 देगा और तब वो उसे व्हाइट वॉश बोलेंगे। अरे यार ये कब क्यों जुड़ेगा इसके साथ, क्योंकि इसके पास तो पहले से ऑक्सीजन है, इसका मतलब रीजन क्या हो गया, गलत। ऐसे पकड़ने हैं चीजों को, समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, तो आप बोलोगे assertion तो ट्रू है पर रीजन फॉल्स है, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, रीजन फॉल्स है, क्लियर हो गई बात। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 15 पर, चलो रीड करो, टाइम ले लो अपना, जितना भी लेना है रीड करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल इन अवर बॉडीज, रीजन द लेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन आर वेरी ग्रेटली, ठीक है, ओके, ठीक है, सही है।
तो आपसे बोला ये गया है बच्चों कि फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मलेस केमिकल इन अवर बॉडीज, और रीजन इसका दिया है द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी ग्रेटली वेरी ग्रेटली। आपसे बोला ये गया है कि जो फूड चेन होते हैं ना बच्चों, जैसे डियर ने घास खा ली और डियर को फिर कोई और खा गया, फिर कोई और खा गया, ठीक है, और डियर अगर घास के अंदर कुछ केमिकल होगा वो केमिकल डियर के अंदर गया, फिर उसके बाद डियर के अंदर जो केमिकल है वो डियर को जिसने खा लिया उसके अंदर वो केमिकल चले गया, ऐसे ऐसे चल के वो केमिकल चलते जाएगा। तो हाँ भाई सही बात है, ऐसे ही होता है। जैसे आप लोग कभी गंदा मीट खा लेते हो, सड़ा हुआ मीट खा लेते हो बच्चों, तो पता नहीं मुर्गी ने क्या क्या खाया होगा, ठीक है, मुर्गी ने, चिकन ने, बकरे ने, पता नहीं क्या क्या खाया होगा, हो सकता है उसने कुछ पॉइजन वाली चीज़ खा ली हो और वही चीज़ आपने खा ली हो, तो आपको लगता नहीं अंदर से कि कुछ हो गया है मुझे, मतलब बीमारी सी नहीं हो जाती कभी कभी, साल में एक बार तो किसी के साथ होता है, मेरे साथ तो हो जाता है यार ऐसा, ठीक है। तो एक बार मैंने चिकन खाया था, तो चिकन खाने पर मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लग गई थी, मतलब अजीब सा हो गया था खाकर, मन अजीब सा हो गया था। फिर उसके बाद कभी कभी हो जाता है ऐसा कि केमिकल वाले, आजकल तो इंजेक्शन मार के चिकन को बच्चा होता है वो कब बड़ा हो जाता है अगले दिन पता नहीं चलता, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग गई, सब केमिकल का मिलता है आजकल, क्या करें। तो बस इतना समझाना है मुझे आपको कि रीज़न करेक्ट है, सॉरी एसर्शन करेक्ट है, पर रीज़न जो बोला गया है वो रीज़न गलत है बच्चों, रीज़न बिल्कुल गलत है। रीज़न क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको ट्रॉपिक लेवल अभी समझाया, रीज़न करेक्ट है, थोड़ा बहुत करेक्ट है, पर पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे। पूरी एक्सप्लेनेशन क्या है, मैंने आपको चार ट्रॉपिक लेवल पढ़ा है कि प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, फिर टॉप का कंज्यूमर होता है, फिर आगे वाला का कंज्यूमर होता है, यही तो समझाया भाई आपको, ठीक है। तो चार ही तो ट्रॉपिक लेवल होते हैं, उसी में ही हम खाना खाते हैं, उसी में ही हम चीज़ों को देखते हैं, उसी में से हम सीधा डायरेक्ट खा सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये हो गया बच्चों कि रीज़न भी करेक्ट है, ठीक है, रीज़न भी करेक्ट है, लेकिन रीज़न ठीक से एक्सप्लेन नहीं है, रीज़न ठीक से एक्सप्लेन नहीं है कि किस किस वे में फूड चेन का ये होता है, वो रीज़न एक्सप्लेन नहीं है ठीक से, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अच्छे से करेक्ट है, तो आप बोलोगे कौन सा ऑप्शन, आप बोलोगे बी ऑप्शन, ठीक है। बोथ एसर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्शन, ठीक है। आपके पास जब पेपर होगा तो पेपर में से जो बी पॉइंट है उसको चूज कर लेना बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में बी पॉइंट लिख देना कि बोथ एसर्शन एंड रीजन, ए एंड आर मतलब आर करेक्ट, आर ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक है, आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। ओके, मैं बिल्कुल स्लो स्लो बच्चों इसलिए करा रहा हूँ, थोड़ा सो मत जाना, ठीक है, स्लो स्लो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एसर्शन रीजन में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कहीं से भी सवाल आ जाएगा, तो इसलिए आप पूरी स्टडी करके रखो, पूरे कॉन्सेप्ट अपने हिला के रखो अच्छे से कि आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें। अच्छा अब 16वां सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोला है, पढ़ो आप भी मैं भी पढ़ता हूँ। आ जेनेटिक्स क्रॉस अ पी प्लांट हैविंग, अरे नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 में एक और चीज़ है वो भी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 15 में और में एक और बोला है एसर्शन, ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल, रीजन द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में एनर्जी क्या करती है, फ्लो करती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 16 में मैं दोबारा रीड आउट करता हूं, ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉपिक लेवल, बहुत अच्छी बात है भाई, लोअर ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर प्लांट के भाई कितनी कितनी वैरायटी है पता है आपको, आम के प्लांट की कितनी वैरायटी है, पपीते के प्लांट की कितनी वैरायटी है, सारे प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है ना, इसका मतलब लोअर लेवल प्रोड्यूसर लेवल बहुत ज़्यादा है बच्चों, हर जगह पे प्रोड्यूसर लेवल हो जाता है, आपके दीवार पे देख लो काई लग जाती है, अलग अलग तरीके की काई लग जाती है, तो प्रोड्यूसर लेवल बहुत बड़ा है बच्चों। तो एसर्शन तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि अच्छा है, बिल्कुल सही है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ये गलत है बच्चों, ये भी ठीक है मतलब करेक्ट है लेकिन ठीक से एक्सप्लेन नहीं है। तो आप बोलोगे क्वेश्चन नंबर जो 15 का और वाला है उसमें आप बोलोगे बोथ एसर्शन एंड रीजन, बोथ
एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों के दोनों करेक्ट है, दोनों के ट्रू भी लिख सकते हो, दोनों के दोनों ट्रू हैं, ठीक है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। ठीक है जी, हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16 ठीक से, पढ़ना अच्छे से, बढ़िया तरीके से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, अ जेनेटिक्स क्रॉस अ पी प्लांट हैविंग अ वॉयलेट फ्लावर विद अ पी प्लांट विद अ व्हाइट फ्लावर, ही गॉट ऑल वॉयलेट फ्लावर इन फर्स्ट जनरेशन, व्हाइट कलर जीन्स इज नॉट पास थ्रू द जनरेशन। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे बोला यह है कि बच्चों एक वॉयलेट कलर का फ्लावर है, एक व्हाइट कलर का फ्लावर है, तो पहली जनरेशन में सारे के सारे वॉयलेट मिले हैं, तो ऐसे ही तो होता है, पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन आपने जब क्रॉस करा होगा तो रीजन, और रीजन भी इस बार सही दिया है कि जीन्स आगे जाते नहीं है, जीन्स आगे ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो इसीलिए ऐसा हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो आप बोलोगे कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, दोनों के दोनों ट्रू हैं, बट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। लिख के भी बता दिया, समझा भी दिया, अब इतना काफी है, बाकी अगर एसर्शन रीजन में दिक्कत होती है तो मैं दोबारा बता दूंगा बच्चों आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे अगर पूरा चैप्टर ना पता हो, पूरी डिटेल ना पता हो, तो एसर्शन रीजन घुमा देंगे आपको, तो इसलिए एसर्शन रीजन की पक्के डट के आपको करनी है। देखो बच्चों यही बात है, अपने वीक पॉइंट पे काम करते रहो, आप पूरे चैप्टर में से खोल के देखो कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे हार्ड लगता है, उस पे काम करते रहो, एक दो बार, तीन बार, अरे कितनी बार आपको हार्ड लगेगा, कितनी बार आपको हार्ड लगेगा, एक बार लगेगा, दो बार लगेगा, तीन बार लगेगा, पांचवी से छठी बार में वो आपके लिए ईजी हो जाएगा बच्चों, चुटकियों का काम हो जाएगा। तो इसलिए टेंथ का पेपर आने वाला है, 3 महीने रह गए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो इसीलिए अपने वीक पॉइंट पे काम कीजिए, ठीक है, और इसको नोट डाउन कीजिए, कभी कभी हम बीच में मोटिवेटर भी बन जाते हैं, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लो, ठीक है। अरे भाई कितना गंदा क्वेश्चन है यार। अच्छा, एक पैसेज दिया है बच्चों आपको, 17 से 20 क्वेश्चन, ठीक है, पैसेज गिवन होंगे इसमें, और ऑप्शन वाला है बच्चों ये, तो आपको ऑप्शन बताना है बस, तो मैं रीड आउट करूंगा, आप लोग देखना जरा कि कैसे आप बताओगे। चलो पहले पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर ऑफ द 4 क्वेश्चन फ्रॉम 17 to 17। अरे यार 17 के 5 पॉइंट है, चलो ठीक है करते हैं, चलो ठीक है करते हैं, ठीक है। उसने बोला है, एक पैराग्राफ है, आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ, ऑल लिविंग सेल रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी। हाँ वो ठीक बात है, अलग कि सारे के सारे लिविंग सेल को वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होती है। दिस एनर्जी इज अवेलेबल बाय ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट ईदर यूजिंग ऑक्सीजन विद और विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। हाँ ठीक बात है, बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी बना सकते हैं, ऑक्सीजन के भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, याद आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पहला पॉइंट क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 17 में पहला क्या बोला है, एनर्जी इन द केस ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल इज ऑब्टेन बाय ब्रीथिंग, टिश्यू रेस्पिरेशन, ऑर्गन रेस्पिरेशन और डाइजेशन ऑफ फूड। अच्छा बच्चों आपसे बोला क्या है, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बड़े बड़े एनिमल होते हैं, उनमें एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, 4 ऑप्शन में आपको सामने दिखा रहा हूं, आप भी एक बार ट्राई करो, ठीक है। पहला ऑप्शन है, सुनो ध्यान से, दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। देखो पहला बोला है ब्रीथिंग, सांस लेना, प्लांट और एनिमल सांस लेंगे तो एनर्जी बहुत ज्यादा ऑब्टेन करेंगे। दूसरा पूछा है टिश्यू रेस्पिरेशन, तीसरा पूछा है ऑर्गन रेस्पिरेशन, और चौथा पूछा है डाइजेशन ऑफ फूड। तो भैया पहले मैं वो ऑप्शन बताता हूँ जो गलत है। ब्रीथिंग मतलब सांस बस अंदर और बाहर के लिए होता है, वो एनर्जी नहीं बनाता है, पहला ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन पे आ जाओ, ऑर्गन रेस्पिरेशन, ऑर्गन अपना काम करेगा कि एनर्जी बनाएगा,
ठीक है, ऑर्गन, स्टमक, ये सब अपना काम करेंगे कि एनर्जी बनाएंगे, तो ये भी गलत है। तीसरा जो है डाइजेशन, डाइजेशन फूड को पचाएगा, एनर्जी का बनाएगा, फूड को पचाने का काम करता है बस। फिर आता है टिश्यू रेस्पिरेशन, बच्चों टिश्यू किससे बनता है, टिश्यू सेल से बनता है, और सेल रेस्पिरेशन कराने का काम करता है। व्हाट इज द रेस्पिरेशन, एनर्जी से, फूड से एनर्जी बनाना, फूड से क्या बनाना, एनर्जी बनाना। तो आपका बच्चों इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाओ 17 के दूसरे वाले पे, द ग्राफ बिटवीन, आपके सामने भी आ गया होगा, द ग्राफ बिटवीन बिलो रिप्रेजेंट द ब्लड लैक्टिक एसिड कंसेंट्रेट ऑफ एथलीट ड्यूरिंग रेस 400 मीटर एंड शो पीक एट डी, एक डी पर आपको कुछ दिखाया है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज अकर्ड इन एथलेटिक वाइल रनिंग इन 400 मिली रेस, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन इन द इतना इतना। आपसे बच्चों बोला ये है कि एक ग्राफ है आपके सामने, ग्राफ से डरने का नहीं, ठीक है, अपन मिलके ये कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ग्राफ से डरने का नहीं कि ग्राफ है ये तो ये क्या है ये। देखो बच्चों, आपको अगर एरोबिक और एनएरोबिक की अच्छी नॉलेज है ना, तो आप कर लोगे, बेझिझक कर लोगे। ग्राफ गिवन नहीं होता तब भी कर लेते हैं, ग्राफ में बिना देखे आंसर बता सकता हूँ इसका, बिना ग्राफ को देखे आंसर बता सकता हूँ। ठीक है, चलो जरा चेक करते हैं, क्या एरोबिक आपको आता है? ठीक है, मैं समझाता हूँ एरोबिक क्या होता है। एरोबिक का मतलब ये होता है बच्चों ऑक्सीजन से एनर्जी बनाना, और प्रोडक्ट में मिलता है CO2, 38 ATP की एनर्जी, और साथ में पानी। ठीक है, एक होता है फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में बच्चों इथेनॉल बनता है यानी कि एल्कोहल बनता है, और 2 ATP की एनर्जी बनती है। फिर एक होता है बच्चों लैक्टिक एसिड, वो हमारे मसल्स में बनता है, अगर मैं कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज कर लूँगा ना उस समय मुझे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी बच्चों, और जब मुझे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी तो, और ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचेगी नहीं, तो आपका पाइरूविक एसिड जो होता है, ग्लूकोज से जो पाइरूविक एसिड बनता है वो आपका लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। तो लैक्टिक एसिड पहले आपको पता चल गया मसल्स में बनता है, अब मसल्स एनिमल की भी हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि शेर चीता भी तो भागने का काम करता है, तो उनके भी लैक्टिक एसिड बनता है बच्चों, हमारे भी बनता है। ठीक है, तो ये बताओ अभी तक की जो कहानी समझाई उसमें एक शब्द समझ में आया होगा, ऑक्सीजन की कमी से, और ऑक्सीजन की कमी में क्या पड़ते हैं, सुनो, ऑक्सीजन की कमी में क्या पड़ते हैं, एरोबिक की एनएरोबिक, बस मिल गया हमको जवाब। ठीक है, अरे मिलके हम सब ढूंढ लेंगे यार। ठीक है, तो आपसे बोला है ये ग्राफ देख रहे हो, ये ग्राफ देख रहे हो, ठीक है, ये ग्राफ है, ये ए पॉइंट था कुछ, ये बी पॉइंट था कुछ, ये कुछ सी पॉइंट था, ये डी पॉइंट था, ठीक है, ये ई पॉइंट था, ये लैक्टिक एसिड का यहाँ तक आपको कुछ दे रखा है। ठीक है, कि लैक्टिक एसिड यहाँ तक हमारा बढ़ चुका है, क्यों बढ़ा है वो, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई, 400 मीटर की रेस करेगा तो ऑक्सीजन की तो कमी होगी, तो उसे बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। तो आपका बी पॉइंट इसमें भी करेक्ट है। देखो ए पॉइंट करेक्ट क्यों नहीं होगा, ए पॉइंट करेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक होता है। सी पॉइंट करेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ईस्ट वाला है, उसमें प्रोडक्ट में इथेनॉल बनता है। डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि भाई जितना तेज हम भागेंगे उतनी जल्दी हम ब्रीथिंग करते हैं, ये आपको मालूम है। ठीक है, इसलिए मतलब बी पॉइंट ही हमारा सही होगा। ओके, बड़ा ही सुंदर सुंदर, ठीक है, क्वेश्चन था ये। तो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया होगा बच्चों। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, स्टडी द बिलो दैट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड विद रिप्रेजेंट द टाइम वाइल द एथलीट रनिंग एट फुल स्पीड। ये ग्राफ बन रखा है बच्चों, जो 25, 50, 75, 100 से आगे बढ़ रहा है, एक प्लॉट ए करा है, एक प्लॉट ऐसे बी करा है। ठीक है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्लॉट जस्टिफिकेशन, प्रोवाइड द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया है बच्चों, ठीक है, पार्ट प्लॉट ए प्लॉट बी। अच्छा, प्लॉट ए एरोबिक 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 और नहीं एरोबिक एरोबिक एनएरोबिक एनएरोबिक, ठीक है, और इसमें दिया है एन एरोबिक एनएरोबिक एरोबिक एरोबिक। तो जी अमाउंट ऑफ एनर्जी लोअर इज द इनकंसिस्टेंट ऑफ इतना इतना। ठीक है, आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, आप भी पढ़ो, वीडियो को पॉज कर दो, फिर पढ़ते रहो। ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ इसको अच्छे से। ओके, ओके, एनर्जी सप्लाइड बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन यार हमें भी समझना पड़ता है ना।
अब आपको सही एक्सप्लेनेशन से ही तो समझाने हैं, नहीं तो ऐसे तो मैं ऑप्शन बता दूंगा कि ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, उससे क्या फायदा होगा। अच्छा तो ग्राफ को एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, में एनर्जी सप्लाई हो रही है, ठीक है, मैं बना देता हूँ ग्राफ यहाँ पे, देखो सुनो, एनर्जी ऐसे सप्लाई हो रही है, ऐसे हो रहा है बच्चों, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 25 हो गया, ये 50 हो गया, ये 75 हो गया, और ये 100 हो गया, ठीक है, और ये एनर्जी सप्लाई का परसेंटेज है जो ऊपर एनर्जी ऐसे फ्लो हो रही है, और यहाँ से हमारी एनर्जी ये गई ब्लू वाली पूरी 100 से जाकर ऐसे नीचे, ये है प्लॉट बी, ये है प्लॉट बी, ठीक है, और एक है प्लॉट ओ, प्लॉट ए वो ऐसे जा रहा है, प्लॉट ए, ठीक है। चलो जवाब देते हैं इसका, जवाब सुनो, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, एरोबिक एरोबिक अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लो, अमाउंट ऑफ एनर्जी लो होती है एरोबिक में, एंड इनकंसिस्टेंस इन एरोबिक एंड हाई इन लो एंड इनकंसिस्ट ऑफ एरोबिक एंड हाई एनोरबिक, ठीक है। तो बच्चों ये ऑप्शन क्यों गलत है, ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि एनर्जी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, अगर एनर्जी सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो एनर्जी बताओ किस में ज्यादा मिलती है, एरोबिक में ज्यादा मिलती है कि एनएरोबिक में ज्यादा मिलती है, तो आपका जवाब होगा एरोबिक में ज्यादा मिलती है, एनएरोबिक में कम मिलती है, तो इसका मतलब एनर्जी देखो 100 तक जा रही है, 25, 50, 75, 100 एनर्जी ऊपर ही तो जा रही है ना, एनर्जी बढ़ रही है बच्चों, इसका मतलब एनएरोबिक तो नहीं होने वाला है, ठीक है, एरोबिक ही होगा, तो पहला ऑप्शन तो गलत है क्योंकि दोनों में एरोबिक एरोबिक है। दूसरा सुनो, एरोबिक एनारोबिक अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हाई, अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई होनी चाहिए, देखो ना पहले वाले में क्या बोला है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अरे दिख तो रहा होगा आपको, पहले वाले में क्या बोला है, पहले वाले में बोला है अमाउंट ऑफ एनर्जी लो, अरे कैसे लो भाई, ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे लो, ये ऊपर जा रहे हैं, लो का तो ऐसे बनता है, दोनों नीचे से बनते हैं ऐसे करके, ये तो ऊपर जा रहा है ना, जीरो से शुरू कैसे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई होनी चाहिए, मैंने तो बस वो लो शब्द पढ़ा, मैंने बोल दिया कि ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन सुनो, एरोबिक एनारोबिक अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई, ठीक है, ये बात सूट हो गई, एंड कंसिस्टेंट इन एरोबिक एंड लो इन एनारोबिक, बहुत सही, यही जवाब, यही आंसर करेक्ट है बच्चों, क्यों करेक्ट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई हो रही है, देखो बगल में लिखा है, यहाँ नीचे दिखा देता हूँ आपको, लिखा हुआ है ऑप्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई, सपोर्ट करते हो अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई, हाई हो रखा है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई हो रखी है, एरोबिक बढ़ रहा है, एरोबिक बढ़ रहा है, एनारोबिक घट रहा है, एरोबिक बढ़ रहा है, एनारोबिक घट रहा है, ठीक है। अरे भाई एक बार अपनी एरोबिक और एनारोबिक की डेफिनेशन क्लियर करो जरा, एरोबिक का मतलब होता है जिसमें एनर्जी क्या होती है, मिलती है ज़्यादा, और एनारोबिक में एनर्जी क्या मिलनी चाहिए, कम मिलनी चाहिए, तो इस पॉइंट के हिसाब से तो एरोबिक एनारोबिक, तो बताओ आप दोनों पॉइंट, एरोबिक ज़्यादा एनर्जी, एनारोबिक कम एनर्जी, तो वही तो बोल रहा है ऑप्शन, इसका मतलब बी ऑप्शन ठीक है। चलो सी ऑप्शन को भी ट्राई करते हैं, एनएरोबिक एरोबिक, ठीक है, प्लॉट ए जो है वो एनएरोबिक होना चाहिए और ये वाला एरोबिक होना चाहिए, ठीक है, ये वाला एनएरोबिक, ये वाला एरोबिक, अरे यार देखो इसको बोल रहा है एनएरोबिक, कितनी गलत बात बोल रहा है, ये एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो एनएरोबिक कैसे हो सकता है, एनएरोबिक तो लेस एनर्जी वाला होता है, और एरोबिक मतलब एनर्जी बढ़नी चाहिए, पर यहाँ पे वो बोल रहा है प्लॉट बी में एरोबिक करूंगा मैं, प्लॉट भी प्लॉट में एरोबिक करूंगा, मतलब एनर्जी घटेगी, कैसे घटेगी, इसमें तो एनर्जी ज़्यादा मिलती है, इसमें कम मिलती है ना, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन सुनो, एन एरोबिक एरोबिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एन एरोबिक कैसे हो सकता है, ये तो एरोबिक ही होगा, प्लॉट ए एरोबिक ही होगा, प्लॉट ए एरोबिक ही होगा, देख रहे हो आप, चार ऑप्शन देखो, पहले वाले ऑप्शन में एन एरोबिक, प्लॉट ए वो हो ही नहीं सकता, अरे यार प्लॉट है ऊपर ही जाएगा, प्लॉट है ऊपर ही जाएगा, एनर्जी बढ़ेगी, एरोबिक में एनर्जी बढ़ती है, प्लॉट है ऊपर ही जाएगा, इसका मतलब सब ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन ठीक है, ठीक है। और कोई दिक्कत होगी मेरे से पूछ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मजा आ गया यार इसको करके, सच में मजा आ गया, इसका भी बी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये आगे होगा आपके सामने, द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस ऑब्जर्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन आर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, तो क्या है इसका ऑप्शन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, मुझे तो लग रहा है सेकेंड थर्ड फोर्थ है ओनली, इसका मतलब इसका आंसर
इसका आंसर सी वाला ठीक है, इसका आंसर सी वाला ठीक है। क्यों भाई क्या हो गया? अरे भाई उसने बोला है एनएरोबिक में क्या क्या रिलीज होता है, तो एनएरोबिक एक तो ईस्ट वाला होता है बच्चों, एक होता है मसल वाला। तो हमसे तो ये बोला नहीं कि ईस्ट वाला बताओ कि मसल वाला बताओ। तो ईस्ट में एल्कोहल भी बाहर निकलता है, ईस्ट में पानी भी बाहर निकलता है, ठीक है, और 2 ATP की एनर्जी भी बाहर निकलती है ATP की। मसल में लैक्टिक एसिड भी बाहर निकलता है और H2O भी बाहर निकलता है और 2 ATP की एनर्जी भी निकलती है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। थर्ड ऑप्शन ठीक है, थर्ड ऑप्शन में बोला है, थर्ड ऑप्शन ठीक है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, लैक्टिक एसिड भी निकलेगा, एनर्जी भी निकलेगी, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन ठीक है ना। अगर वो स्पेशल बोल देता ईस्ट के लिए तब ऑप्शन बदल जाता, अगर वो ओनली मसल्स के लिए बोलता तब ऑप्शन बदल जाता, लेकिन वैसा उसने कुछ बात ही नहीं करी। ओके क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया। एक और पांचवा है, बस वो पांचवा पढ़ते हैं फटाफट। पांचवा क्या है? पांचवा बोला है स्टडी द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द रो डेट हैज इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। एक रो सेलेक्ट करनी है जिसमें इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है। लोकेशन देखो, लोकेशन एरोबिक साइटोप्लाज्म एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। एरोबिक साइटोप्लाज्म एनारोबिक माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को तो ऑक्सीजन चाहिए होती है। दूसरा ऑप्शन सुनो, एंड प्रोडक्ट CO2H2O इथेनॉल CO2, ये थोड़ा ठीक लग रहा है एंड प्रोडक्ट सुनने में। अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई उसमें लो, ठीक है ये भी ठीक लग रहा है। ऑक्सीजन नीडेड एनारोबिक में ऑक्सीजन नॉट नीडेड, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत है, लोकेशन वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसका मतलब इसमें फिफ्थ वाले में ए वाला गलत है, ए वाला इनकरेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट पूछा था, करेक्ट नहीं पूछा था, ठीक है। तो ये आपको बताना है। एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे क्वेश्चन नंबर 17 कराता 18 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 का बी ठीक है, उसका भी बी है, इसका भी बी है, और इसका सी है, इसका ए है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन ठीक है, बस मेरा समझाने का तरीका था जो मैंने आपको समझा दिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें से इंफॉर्मेशन जो नोट करनी है वो आप नोट कर लो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में भी एक पैसेज दिया है, वो पैसेज आप रीड करिए, पॉज करिए और रीड करिए, ठीक है। मैंने भी रीड कर लिया है क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में बच्चों पैसेज आपको दिया है, ओके 18 में आपको ये पैसेज दिया है, कुछ रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द 18 to 18, मतलब इसमें पांच क्वेश्चन है बच्चों, ऑप्शनल क्वेश्चन है पांच, उसके आपको जवाब देने हैं। मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन को लूज करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पॉजिटिव आना, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव लाना, और एक ग्राफ भी आपको गिवन है, ठीक है। वैसे ग्राफ की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है, मैं भी पढ़ता हूँ आप भी पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एल्कली मेटल प्लॉटेड इन द ग्राफ। एक बच्चों ग्राफ है एल्कली मेटल का, आप ब्लू लाइन देख रहे हो ग्राफ की, ठीक है, ब्लू लाइन देख रहे हो ग्राफ की। तो उन्हें एल्कली मेटल बोलते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। तो आपसे बोला गया है कि इनका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाइए, इनका मेटेलिक कैरेक्टर किसमें दिखाइए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाइए। तो बच्चों मैं पहले आपको बता दूं कि ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 18 उसमें से ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है ये। और इनको याद करने का तरीका ये है, लीला ने की रब से फरियाद। कैसे याद रखोगे? लीला ने की रब से फरियाद, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। बच्चों जब नीचे आते हो ना, तो 2,1 2,8,1 2,8,8,1, तो आप बताओ नंबर ऑफ शेल्स क्या हो गए? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो गए? इंक्रीज। शेल की वजह से इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो गया? दूर हो गया। इलेक्ट्रॉन और ये दूर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है अपने प्रोटॉन से। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जेफ बोलते हैं बच्चों, जेफ डिक्रीज हो गया। जेफ का मतलब होता है प्लस, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का जो फोर्स होता है उसको जेफ बोलते हैं। तो भाई देखो नीचे आते जा रहे हो, जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है ना, एक शेल बढ़ते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम हो रहा है नॉर्मली, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। उसकी वजह से बताओ इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा कि देर में लूज करेगा?
तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा, नीचे आते आते तो ढीला हो जाएगा बिल्कुल। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, और इसी को तो बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस मतलब जब आप लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंकियम ऐसे चलोगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन इसका उल्टा चलोगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। तो मैं उल्टा वाला लिख देता हूं पहले, इसका मतलब फ्रेंकियम का सबसे कम होगा, फ्रेंकियम का सबसे क्या होगा, कम होगा। फ्रेंकियम का सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर होगा, कम से ज्यादा चलना है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मतलब सबसे पहले मुझे इंक्रीजिंग वाला लिखना पड़ेगा ना। अच्छा, तो सबसे ज्यादा फ्रेंकियम का होगा, सबसे ज्यादा फ्रेंकियम का होगा, उसके बाद सीजियम का होगा, उसके बाद रूबिडियम का होगा, उसके बाद पोटेशियम का होगा, उसके बाद सोडियम का होगा, उसके बाद लिथियम का होगा। अब जरा हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। पहला ऑप्शन, एक मिनट बच्चों, से फ्रेंकियम तो दिया नहीं यार, तो मैं चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई, फ्रेंकियम को हटा देता है। ओके, सीजियम से शुरू हुई है तो सीजियम रूबिडियम पहला ऑप्शन, बीच में तो लिथियम आ गया, पर लिथियम तो लास्ट में है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन के पहला आ गया, ऑप्शन गलत है। तीसरा सीजियम रूबिडियम पोटेशियम सोडियम लिथियम, बच्चों इसका सी ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, 18 के दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। हाइड्रोजन इज प्लेस्ड एलोंग विद एल्कली मेटल इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थ्रू इट शो द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप फर्स्ट में ही आता है, लीला ने की रब से फरियाद में सबसे ऊपर हाइड्रोजन आता है, वो ग्रुप फर्स्ट में आता है, लेकिन तब भी वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्यों रखता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला ये सब मेटेलिक कैरेक्टर क्यों रखता है। तो आप बोलोगे, आपका जवाब होगा बच्चों नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्यों रखता है, ये दूसरा ऑप्शन 18 का दूसरा पॉइंट है ये। तो चार ऑप्शन है, चारों आपके सामने लिखे हुए हैं, आप भी रीड करो, मैं भी रीड करता हूं। एज हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन एज रेडली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। लूज इलेक्ट्रॉन करेगा तो भाई पॉजिटिव आता है, लूज इलेक्ट्रॉन करके नेगेटिव नहीं आता है। एज हाइड्रोजन कैन इजिली लूज द इलेक्ट्रॉन एंड एल्कली मेटल टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन ठीक है। सी ऑप्शन, एज हाइड्रोजन कैन गेन इलेक्ट्रॉन टू हैलोजन, वो तो फिर हैलोजन की तरह नहीं, वो फिर ग्रुप 18 की तरह। अरे यार, हाइड्रोजन जो है उसके के में अगर वन होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर लेगा तो वो हाइड्रोजन के में दो हीलियम की तरह ही बन जाएगा, और हीलियम तो ग्रुप 18 में आता है, ग्रुप 17 की तरह का बना वो, इसका मतलब सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। चौथा ऑप्शन, एज हाइड्रोजन शो द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, हाँ ये ठीक है, प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करता है, पर कैसे वो नहीं, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा ठीक है। तो 18 का तीसरा ऑप्शन करते हैं। 18 में तीसरा ऑप्शन बच्चों बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपसे पूछा है ये है कि इन चारों में से किसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो एक शॉर्टकट बताता हूं, फोन कल पूरे पीरियोडिक टेबल में बच्चों तीन होते हैं जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, ऑक्सीजन में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, नाइट्रोजन में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, आखिरी के इलेक्ट्रॉन की अगर इनकी बात करें तो सबसे ज्यादा किसके पास इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास है। अगर आपसे सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछता तो ऑक्सीजन, थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव पूछता तो नाइट्रोजन। क्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिव में लेते तो हैं, पर वो नाइट्रोजन से भी कम प्रॉपर्टी रखता है, क्यों जी, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसमें आते हैं बच्चों 2 शेल, लेकिन क्लोरीन में कितने आते हैं, क्लोरीन में आते हैं 3 शेल, तो शेल ज्यादा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, तो इसलिए क्लोरीन को सबसे लास्ट में रखा जाता है और नाइट्रोजन को पहले रख दिया जाता है। तो क्लियर हो गया आपको इतना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन। 18वें का फोर्थ क्वेश्चन तो बोला यह है आपके सामने आ गया, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द ग्रेजुअल चेंज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन हैलोजन डाउन द ग्रुप। चलो पहले मैं समझा देता हूँ फिर करेंगे। बच्चों जब ग्रुप 17 में चलते हैं ना, तो ग्रुप 17 को याद करने का तरीका क्या है, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रिया, ठीक है। एस्ट्रेटाइन तो वैसे रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन तब भी लिखने में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी कन्फिग्रेशन होती है 2.7, इसकी कन्फिग्रेशन होती है 2.8.7, इसकी कन्फिग्रेशन होती है 2.8.18 होती है इसकी 7, ठीक है। नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आखिरी का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा यह है कि आइडेंटिफाई द रीजन द ग्रेजुअली चेंज ऑफ इतना इतना, तो आप बोलोगे नीचे जाते हुए नंबर ऑफ शेल ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ते हैं, अट्रैक्शन कम होता है। तो चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज द एटॉमिक साइज, हाँ डिक्रीज द एटॉमिक साइज, अरे डिक्रीज का इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ये देखो इसमें साइज ये इसका साइज थोड़ा और बड़ा, अगर ये एटॉमिक साइज बड़ा बोल देता तब मैं मान लेता बात। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, लूज क्यों करेगा, गेन के लिए होता है ये। ठीक है, सी ऑप्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ड्यू टू ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज द एटॉमिक रेडियस, बहुत अच्छे, ये चाहिए ये वाला, सी ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन इसका सही है, फोर्थ वाले का। ओके, पांचवा ऑप्शन देखो, पांचवा क्या बोल रहा है बच्चों, पांचवा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन करेक्टली जस्टिफाई द फ्लोरीन हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन लिथियम, फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस लिथियम से क्यों होता है। भाई जो होता है ना लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये बच्चों एक ही पीरियड में आते हैं, कौन से पीरियड में आते हैं, एक ही पीरियड में। तो होता क्या है, जब लेफ्ट टू राइट चल रहे होते हैं, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से जेफ बढ़ जाता है, उसकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब लिथियम का आपका ज्यादा साइज दिखेगा, फ्लोरीन का आपका छोटा साइज दिखेगा, ऐसे जाते हुए रीजन पूछ रहा है। चलो रीजन रीड करते हैं, रीजन यही है, मैचअप करना है अपने से इसको रीजन। तो फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसने डाउन द ग्रुप क्यों बोल दिया, लेफ्ट टू राइट चलते हैं पीरियड में। ठीक है, पहली बात तो पीरियड वाली बात होनी चाहिए, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम पीरियड, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस अक्रॉस, एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है भाई। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है, तीसरा पढ़ते हैं, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप भाई सेम पीरियड बोलना चाहिए था, ये भी गलत है। डी वाले में आ जाते हैं, फ्लोरीन एंड लिथियम आर इन द सेम पीरियड, सेम पीरियड एंड अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज ऑफ डिक्रीज, एटॉमिक साइज अक्रॉस डिक्रीज होता है। बच्चों इसका डी ऑप्शन सही है। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 18 के पांच क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट, तो कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसको नोट डाउन कर लो, इस डेटा को नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, क्वेश्चन नंबर 19 में भी पैराग्राफ है बच्चों, उफ पैराग्राफ से तो परेशान हो गया यार, है ना, 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में ही इतना टाइम, बाकी तो पढ़ाने भी पड़ रहे हैं आपको साथ साथ, नहीं तो स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ लो पहले। अच्छा, सुमाति वांटेड टू सी द स्टार, उसको भाई चांद सितारा देखना है, ठीक है, ऑफ अ नाइट स्काई, शी नो द शी नीड अ टेलीस्कोप, उसको एक टेलीस्कोप चाहिए और उसने टेलीस्कोप लिया, उसको मेड अ लेंस कॉल्ड रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप एंड वंस ऑफ द मिरर, एक मिरर में और कॉल्ड रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, अच्छा ठीक है भाई। उसने देखो बच्चों ऐसे ही कुछ टेलीस्कोप टाइप बना रखा है, दो लेंस है उसके पास, एक L1 है तो एक L2 है, और सो द डिसाइडेड टू रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, शी ब्रॉट टू लेंसेज L1 एंड L2, आउट ऑफ विच L1 वॉज बिगर, L1 बड़ा है और L2 छोटा है, द लार्जर लेंसेज गैदर द बेंट एंड लाइट वेल द स्मॉलर मैग्नीफाइंग द इमेज, स्मॉलर मैग्नीफाइन करता है इमेज को, हाँ सही बात है, अनफॉर्चुनेटली द रियलाइज एंड दे रियलाइज द बिग लेंस इज वेरी हैवी, लेकिन बिग लेंस उसे काफ़ी हैवी लगा बच्चों, बिग लेंस होता भी हैवी है, ठीक है, हैवी लेंसेज आर हार्डर टू मेक, डिफिकल्ट टू होल्ड द राइट प्लेस ऑल्सो, सिंस द लाइट पासिंग थ्रू द लेंसेज द सर्फेस ऑफ द एक्सट्रीमली फ्लो, इट वुड बी नोटेड टू द डर्टी विंडो। ओके, तो ये पूरा ये थ्योरी है बच्चों, मैंने भी रीड कर लिया है, आई होप कि आपने भी रीड कर लिया हो, क्योंकि इस थ्योरी से ही हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का पहला क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द डायग्राम शो डैट व्हाट काइंड ऑफ सुमाति नीड द मेक द टेलीस्कोप, ऐसा कौन सा लेंस है जिसकी वजह से सुमाति ने क्या बनाया है, टेलीस्कोप बनाया है। तो बच्चों आपको डायग्राम में मिल गया होगा, आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस होता है वो, तो आपका पहले का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
ठीक है। दूसरा ऑप्शन पे आते हैं बच्चों, आपसे बोला गया है अगर पहले लेंस की पावर पावर L1 L2 4:1 है तो उनका फोकल लेंथ कितनी होगी। तो बच्चों पहले लेंस की और दूसरे लेंस का रेशियो 4:1 निकला है पावर का, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f होता है, पावर का फॉर्मूला 1/f होता है मीटर में। तो इसका मतलब पहले लेंस की पावर P1 मान लो, दूसरे लेंस की पावर P2 मान लो, और दोनों का 4/1 निकला है ना रेशियो, मतलब ऐसे निकालते हैं पहले वाले और ऐसे लिख सकते हो रेशियो को। लेकिन यार पावर का फॉर्मूला 1/f होता है ना, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो P1/P2 इजिकल टू P1 के लिए क्या लिख सकते हो 1/F1 और ये 1/F2 ऐसे लिख सकते हो, है ना। और इसके लिए क्या हो जाएगा 4/1, यही तो है असल में। P1/2 को 4/1 लिख दिया, P1 की जगह पे 1/F1 लिख दिया, P2 की जगह पे 1/F2 लिख दिया, 4/1 लिख दिया, तो आपको ये मालूम है 1/7 कट जाएगा आपका, ठीक है। ये F1 F2 और ये F1 और F2 आ जाएगा। फिर इसको रेसिप्रोकल भी करना पड़ता है बच्चों, इसको अप डाउन कर ले जाना पड़ता है, F2 को ऊपर ले जाना पड़ेगा, F1 को नीचे ले जाना पड़ेगा, बताओ क्या होगा। अरे यार जो डिवाइड के डिवाइड में होता है वो ऊपर नहीं जाता क्या, जो डिवाइड के डिवाइड में होता है वो नीचे नहीं आता क्या। इसका मतलब यहाँ पे F2/F1 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे 1/4 मिलेगा, इसका मतलब मुझे रेशियो मिलेगा 1:4। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है जरा देखो, 1:4, ये बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों इसका, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मैंने सॉल्व भी करा दिया है लेकिन आपको सिर्फ टिक मारना था, ठीक है। तो 1:4 इसका आंसर करेक्ट है। 19 का तीसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन ऑब्टेन विद द लेंस। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या ऑब्टेन होगा लेंस से, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो होता है यार, M = V/U, हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन हमारा ठीक है। फोर्थ ऑप्शन पर आ जाते हैं बच्चों, फोर्थ क्या है, सुमाती डिड नॉट प्लेनर ने एक्सपेरिमेंट, उसने एक एक्सपेरिमेंट करा बच्चों, और उसने देखा कि जो L2 है ना, जो लेंस दूसरा वाला है, वो मेरी इमेज 3 times ज़्यादा बना रहा है, 3 times बड़ी बना रहा है, ठीक है। और L2 ये क्या है यार, अच्छा मैग्निफिकेशन जो आई लेंस L2, हाँ ठीक है L2, इफ हर एक्सपेरिमेंट विद L2 शी फाउंड एन इमेज ऑफ 24 centimeter लेंस, व्हाट द डिस्टेंस विद द ऑब्जेक्ट। आपसे बोला है कि अगर L2 तीन गुना बड़ी इमेज बना रहा है, और इमेज की जो दूरी दे रखी है बच्चों वो दे रखी है 24 centimeter दे रखी है, तो U कितना होगा। तो फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, तो M = V/U लगाया, M कितना है 3 times बड़ी बनी है, मैग्नीफाइंग 3 times हुई है, और आपने 24 कर दिया, U कर दिया, मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कराना है आपको, तो U ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो 24/3 3 7 3 21 3 8 24, तो U आ गया आपका 8 centimeter। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ठीक है फोर्थ का बच्चों, आपका सी ऑप्शन ठीक है, फोर्थ का आपका सी ऑप्शन ठीक है। अब आ जाओ 19 के फिफ्थ क्वेश्चन पे, आपसे बोला है सुमाति ब्रॉट नॉन स्टिक थिक लेंसेज फॉर टेलीस्कोप एंड पॉलिश देम, व्हाट इज द एडवांटेज इफ एनी वुड नॉट हैव टू हर चॉइस लेंस। क्या उसने ना जो दूसरा लेंस लिया है ना बच्चों, वो काफ़ी मोटा लिया है, काफ़ी भारी लिया है, तो उससे कुछ उसे एडवांटेज मिल सकता है क्या। तो नहीं यार, कुछ एडवांटेज कहाँ मिलेगा उसे, तो शी एडवांटेज एवर थिकर लेंसेज वुड बी क्लियर इमेज, थिकर लेंसेज क्या इमेज अच्छी रहते हैं, ना जी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। थिकर लेंसेज वुड हैव मेड द टेलीस्कोप इजियर टू हैंडल, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बड़ा लेंस लगा दिया है तो टेलीस्कोप को हैंडल करना मुश्किल है, टेलीस्कोप भारी हो जाएगा, सी ऑप्शन। नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेरी हैवी एंड ऑल्सो अलाउ द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ लाइट, हाँ ये ठीक है, नॉट सो थिक लेंसेज विल गिव द मोर मैग्निफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं है भाई, तो इसका मतलब सी ऑप्शन ठीक है आपका, फिफ्थ का सी ऑप्शन ठीक है, नॉट सो थिक लेंसेज वुड नॉट मेक द टेलीस्कोप वेन एवरी मीडियम, इतना कुछ दिया है आपको। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पर, यार थ्योरी वाले क्वेश्चन में ना बहुत टाइम लग जाता है यार सच में, ठीक है, इतना कुछ है नहीं, बस पढ़ पढ़ के आपको बता रहा हूँ, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जा रहा है, ठीक है, बाकी तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, इसमें समझाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 आपके पेपर आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ लो, उसमें भी एक पैराग्राफ दिया है आपको, अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 20 को अच्छे से, ओके अच्छे से पढ़ लो, ओके ठीक है।
तो चलो क्वेश्चन नंबर 20 का पहला ऑप्शन शुरू करते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन क्या बोला है आपने, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कंजर्व द ऑप्टेन ऑफ लीनियर सोलेनोइड, मैकेनिकल से मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल और मैग्नेटिक से इतना। तो बच्चों आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी सोलेनोइड में बनेगी, व्हाट इज सोलेनोइड पता होना चाहिए आपको। आई इंसुलेटेड कॉइल कॉपर वायर, राउंडेड कॉपर वायर को सोलेनोइड बोला जाता है, ठीक है। तो आपसे ये बोल रहा है कि किससे क्या बनेगी, तो जी 20वें ऑप्शन का तीसरा ऑप्शन ठीक है, इलेक्ट्रिकल से बच्चों मैकेनिकल बनेगी। तीसरा ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रिकल से क्या बनेगी, मैकेनिकल, ठीक है। सोलेनोइड इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी बनाने का काम करता है। व्हाट हैपन इफ सॉफ्ट आयरन प्लेस इन अ सोलेनोइड, अगर किसी सोलेनोइड के अंदर बच्चों आप सॉफ्ट आयरन कोर डाल दोगे तो क्या होगा, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो आप बोलोगे हाँ लॉन्गर समय तक करंट रहेगा, बी ऑप्शन ठीक है, लॉन्गर समय तक करंट रहेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना। तीसरा ऑप्शन आपसे पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ फील्ड लाइंस प्रोड्यूस इनसाइड द सोलेनोइड आर सिमिलर ऑफ डेट ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड में किसके सिमिलर होती है, बार मैग्नेट के, स्ट्रेट कंडक्टर के, सर्कुलर की, मैग्नेटिक ऑफ एनी शेप। तो बच्चों बार मैग्नेट की शेप रहती है। अरे यार ये सोलेनोइड होता है ना, जैसे इसे सोलेनोइड बोलते हैं, इसके अंदर अगर आप कोई मैग्नेट ऐसे रख दोगे नॉर्थ साउथ, तो सोलेनोइड और मैग्नेट एक जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। लेकिन एक स्ट्रेट वायर में करंट दोगे तो वो कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो गोल बनाएगा, ऐसे थोड़ी ना बना पाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 20 का चौथा, आफ्टर एनालिसिस द ग्राफ, ग्राफ को एनालाइज करके आपको क्या मालूम पड़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस आ सोलेनोइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मैग्नेटिक फील्ड करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। या तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या। दूसरा ऑप्शन है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द सोलेनोइड इज स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द करंट के बराबर है क्या। आपसे पूछा है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट टू द करंट, कि मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट टू द करंट। तो बच्चों आपका जवाब होगा सेकंड वाला, सेकंड वाला मतलब डेटा ठीक है, तो आप बोलोगे डी ऑप्शन ओनली सेकंड, फोर्थ का डी ऑप्शन एकदम ठीक है भाई। ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए, दो रिलेशन होते हैं बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर, ये दो आपको सेकंड चैप्टर में पता होना चाहिए मैग्नेटिक वाले में, ठीक है। और बाकी तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। फिफ्थ क्या पूछा है बच्चों, फिफ्थ, फॉर ग्राफ डिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फॉर अ करंट ऑफ 8 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड 13 मिली टेस्ला, फॉर लार्जर करंट द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस नॉन लीनियरली, फॉर अ करंट 0.5 एंड मैग्नेटिक फील्ड 1.3 मिली टेस्ला, दिस आर द इनफ इन्फॉर्मेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड कॉरस्पॉन्डिंग। नहीं जी इनफ इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ये, तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है, इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ग्राफ को पढ़ो और ग्राफ को पढ़ के देखो कि फर्स्ट ऑप्शन कैसा सही है, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चों। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थक गया यार मैं आज, ठीक है। बाकी 10 क्वेश्चन ही थे लेकिन थ्योरिटिकल थे ना, ठीक है, पूरे पैसेज वैसेज पढ़ाने थे और समझाना था तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया, बाकी तो आप आंसर ऐप में से देख सकते हो और समझने के लिए यहाँ से समझ सकते हो। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको 2 मार्क्स के सेक्शन भी अब स्टार्ट कराने वाला हूँ, उसमें 21 से 30 तक क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम, और सैंपल पेपर को जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।